गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सेकेंड सेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टूडेंट, कल हमने कहाँ तक स्टॉप किया था? आई थिंक कल हमने ख़त्म किया था प्रीपेड एक्सपेंसेस तक। सो लेट्स स्टार्ट विद द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या फ्रेंड्स? ठीक है, जो एक्सपेंस अभी तक हमने पे नहीं किया है, जो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो जो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि जो भी एक्सपेंस होगा उसमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, ऐड करना होगा, और दूसरा क्या होगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम की बात की है तो जो भी होगा आउटस्टैंडिंग का सिंपल सा मतलब है, अगर एक्सपेंस होगा तो पे नहीं किया है, इनकम होगा तो मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो इनकम को भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे वही इनकम में, और दूसरा क्या होगा हमारे लिए, असेट होगा। ठीक है, विच विल बी अ रिसीवेबल इन नियर फ्यूचर। नेक्स्ट वन विल बी प्री रिसीव्ड इनकम, पहले से ही इनकम मिल चुका है हमें पहले से। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जो अपना अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है आपका 12 महीने का होता है, तो यही 12 महीने का मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, इनकम, और यही 12 महीने क्या होगा आपका एक्सपेंस होगा। सपोज़ अगर मैं आगे आने वाले सालों का आपसे कुछ पैसा ले लेता हूँ, ठीक है, और मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, तो मुझे पैसा क्या करना होगा आपको, वापस करना होगा। इसलिए क्या होगा आपका, वो लायबिलिटी होगा। तो जैसे कि प्री रिसीव्ड है तो डेफिनेटली मैंने आगे का भी रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस करना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने इनकम में से माइनस किया है, और सेकंड कहाँ लिखा है आपने, हमने लिखा उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा है, बिकॉज क्या होगा हमको रीपे करना होगा। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट है वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर एंड सैलरी टू पार्टनर। आई रिपीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर एंड सैलरी टू पार्टनर। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस, बिकॉज हमको पे करना होता है। जब पे करना होगा एक्सपेंस है तो क्या होगा, पीएल डेबिट में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल बोल दूँ, या कभी कभी आपको वहाँ पे करंट अकाउंट भी बनाना होगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। क्यों ये डेबिट होगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, ये आपका क्या है, बिजनेस का क्या है दोस्तों, एक्सपेंस है। इसलिए सेकेंड, अगर एक एक्सपेंस हुआ दूसरा क्या होगा आपका, इनकम। तो इनकम किसके लिए हुआ, इनकम हुआ आपका ये पार्टनर्स के लिए इनकम हो गया, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस के हिसाब से पार्टनर्स को क्या किया हमने, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। नेक्स्ट वन विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो वी आर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ड्रॉइंग पे क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, अभी ए हो गया आपका बिजनेस, ठीक है, और ये हो गया आपके मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया है, यहाँ पे पैसा लगाया बिजनेस में, ठीक है, तो बिजनेस क्या करेगा, उसे उसके ऊपर देगा वो इंटरेस्ट देगा। मिस्टर ए ने क्या लगाया था, पैसा, पैसा को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसने बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस क्या प्रोवाइड करेगा, उसे इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट ऑन व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट का रेट आपको दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है, अदरवाइज देखेंगे। सेकेंडली, ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्टनर या कोई भी प्रोपराइटर बिजनेस से अगर पैसा निकालता है, तो देखो हो गया अपोजिट केस, पहले पैसा लेकर आया था तो हमने इंटरेस्ट को इंटरेस्ट दिया था, ठीक है, अब क्या हो गया, बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इससे इंटरेस्ट लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा ये क्या होगा, बिजनेस के लिए इनकम होगा। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो गया दोस्त, एक्सपेंस हो गया था। क्लियर हुआ, तो ड्रॉइंग क्या होगा, इनकम होगा, इसलिए क्या किया हमने, उसको क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, और
पार्टनर्स के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, पेमेंट कर रहा है ना इसलिए, तो डेबिट कर दिया। क्लियर? तो ये 7 एडजस्टमेंट हुआ है अपना, ठीक है। चलो एक फटाफट रिवीजन कर लेते, छोटा सा शॉर्ट रिवीजन फटाफट करेंगे कि कल हमने क्या देखा था और क्या क्या हो गया था अपना। तो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद द पेपर पैटर्न। मैंने आपको बताया था कि जो भी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, पीडीएफ से आप जो भी इंडेक्स होगा टॉपिक का आपको लिख के लेना है, ठीक है। पैटर्न था ये आपका लास्ट ईयर का पैटर्न था, 100 मार्क का था, जो 20 मार्क का आपका इंटरनल होगा, 80 मार्क क्या होगा आपको लिखित में होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी योर ऑब्जेक्टिव, कितने मार्क का होगा वो 15 मार्क का होगा, जिसमें से आपको 5 पूछे जाएंगे ए बी सी डी ई, और कितने करने होंगे उसमें से आपको एनी 3 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर टू विल बी रेशियो, जो न्यू टॉपिक आया है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट श्योर कि वो कितने मार्क का पूछेगा, बिकॉज वेटेज काफ़ी अच्छा दिया गया है इस बार आपको उसके अंदर का, ठीक है। थर्ड वन दिया गया आपको दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, जो 10 मार्क का था लास्ट ईयर 10 मार्क का इस साल भी पूछेगा, तीनों में से कोई 2 दिया जाएगा आपको और कोई एक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एडमिशन रिटायरमेंट साथ में दे दिया गया तो एडमिशन कर लो, रिटायरमेंट डेथ दिया जाएगा तो आप लोग रिटायरमेंट कर लो, लेकिन जो पास्ट ट्रेंड पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है आपका, एडमिशन और रिटायरमेंट ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 विल बी फ्रेंड्स बिल ऑफ एक्सचेंज, अगेन 10 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, 10 मार्क्स का होगा उसको। क्वेश्चन नंबर 6 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 मार्क्स का। क्वेश्चन 7 फाइनल अकाउंट जो चल रहा है अपना वो 15 मार्क्स का। तो पूरा के पूरा मिला कितना हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, 80 मार्क का हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, इसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कॉल्ड फाइनल अकाउंट, कि मैंने बोला कि फाइनल अकाउंट वो करना होगा। लास्ट ईयर क्या किया था आपने, लास्ट ईयर आपने किया था प्रोप्राइटरी कंसर्न का, जिसमें क्या था आपका सिंगल ओनर थे, लेकिन इस साल क्या करना पड़ेगा आपको, पार्टनरशिप का, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा चेंजेस है क्या, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मैंने कल ही बताया था आपको कि इसका जो भी प्रॉफिट था ये शेयर कौन करता था आपके, खाली सिंगल, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे जो भी एंजॉय करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स होगा। रेशो दिया होगा नहीं दिया होगा तो इक्वल होगा या तो फिर कैपिटल रेशो होगा, जैसे क्वेश्चन आएगा हम देख लेंगे उसके अंदर। देन नेक्स्ट विल बी कि आपको गिवन में क्या क्या दिया जाए, क्या क्या क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा और दूसरा क्या होगा आपका एडजस्टमेंट होगा। ट्रायल बैलेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ व्हाट लेजर अकाउंट का बैलेंस होता है, ठीक है। और सेकंड क्या होता है आपका एडजस्टमेंट, जो आपका क्या होता है अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, जो 31 मार्च को नॉर्मली या उस दिन करना ही होता है हमको, तो वो हमको यहाँ पे करना होगा। बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सेकेंड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। थर्ड होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग एक छोटा सेशन लेंगे अभी। एंड नेक्स्ट वन होगा क्या आपका बैलेंस शीट होगा, ये 4 चीज़ आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है दोस्तों। चलो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया जाएगा देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा आपको डेबिट साइड दिया जाएगा और क्रेडिट साइड दिया जाएगा, दो ही बैलेंस होते हैं दोस्तों, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में क्या होगा, जब भी आप लोग एलोकेशन करने बैठोगे तो चेक करो कि वहाँ पे एक्सपेंस है या फिर असेट है। डेबिट साइड में यही 2 चीज़ मिलेगा दोस्तों और दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर एक्सपेंस होगा तो या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आई रिपीट, अगर एक्सपेंस हुआ तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। असेट का प्लेस असेट में ही होता है, ठीक है। या तो इनकम हुआ तो अगेन इनकम को मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और लायबिलिटी आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। ये आपको ट्रायल बैलेंस को प्रॉपरली समझना है, रीड करना है, जिसके लिए मैंने आपको कल होमवर्क दिया था मेरे ख्याल से, कि आपका जो भी ट्रेडिंग का फॉर्मेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया गया, पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट दिया गया है, वो आपको प्रॉपरली रीड करना होगा, समझना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया दोस्तों, सबसे पहला होगा एलोकेशन। क्वेश्चन को पढ़ना है प्रॉपरली, ढंग से एक एक वर्ड पढ़ना है आपको। एलोकेशन में देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, असेट में आएगा, तो लायबिलिटीज में आएगा, ठीक है। अगर ये 4 चीज़ आप लोग प्रॉपर कर लेते हो, एलोकेशन करते हो और फॉर्मेट में पुटअप कर देते हो दोस्तों, तो आपको 7 से लेके 8 नंबर तक कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है।
बिकॉज एवरी सिंगल पोस्टिंग इज कंसिस्ट ऑफ 1/4 मार्क्स, आपको मिलना ही मिलना है। ठीक, क्लियर। तो ये हमने कल इतना देखा था, क्लियर। इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, देर आफ्टर वी हैव स्टार्टेड विद द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या था आपका, सबसे पहला ये आपको हमेशा मिलेगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रीटमेंट विल बी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। आपको कभी कभी दो प्राइस दिया जाएगा दोस्त, कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस। मैंने बताया था कि दोनों में से जो भी कम होगा वो लेना है। क्यों कम लेना है, क्या कम लेना है, ये आपका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हिसाब से। डिटेल में सीखना है तो क्लास में आके सीखेंगे इसे हम, ठीक है। सेकेंड है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, पहले से दे दिया गया है तो माइनस किया हमने, दूसरा बैलेंस शीट किया असेट साइड में। तीसरा था आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्टिव एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। चौथा विल बी योर आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्टिव इनकम, बैलेंस शीट, असेट साइड। पांचवा प्री रिसीव्ड इनकम, माइनस करेंगे और लायबिलिटी में जाएगा। छठा मैंने दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट बोला, छठा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न है उसके पीछे कि ये आपको पूछ सकता है, जो मैंने आपको बताया कि जो फाइनल अकाउंट सीखना है आपको, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप पे आपको ये दो एडजस्टमेंट पूछे जाएंगे, दैट इज इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स एंड सैलरी टू पार्टनर्स। बिजनेस के लिए क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंस होता है, इसके लिए क्या होगा, डेबिट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। और पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, इसलिए कहाँ पर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। सेवेंथ वन विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और पार्टनर्स के डेबिट साइड में। ये सात एडजस्टमेंट फिलहाल लिखा रहा हूँ मैं, बिकॉज इसके अलावा और भी आएंगे, तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताया था, एक कंसेप्ट को आपको लिखना है बुक के अंदर आपको, और प्रॉपरली समझना है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया आपका एडजस्टमेंट का पार्ट, तो स्टार्ट करते हैं आज एक कुछ समथिंग न्यू, जो आपको पता है या नहीं है देखते हैं। एक होता है आपका फिक्स कैपिटल होता है, वन इज व्हाट, चलो कैपिटल जो भी पार्टनर्स लेकर आते हैं, कैपिटल, कैपिटल दो टाइप के होते हैं, वन इज फिक्स कैपिटल होता है दोस्तों, और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। आई रिपीट, कैपिटल कितने प्रकार का होता है, दो, फिक्स कैपिटल और दूसरा क्या होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। व्हाट इज फिक्स कैपिटल दोस्तों, फिक्स कैपिटल में आपको दो चीज़ बनाना होगा, फिक्स कैपिटल में आपको दो चीज़ ड्रॉ करना होगा। एक तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा क्या, पार्टनर्स का व्हाट, करंट अकाउंट, क्लियर। वेरस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको खाली एक ही अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर अभी समझ में नहीं आ रहा कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग होता क्या है, फिक्स मतलब क्या, जैसे एट द इंसेप्शन ऑफ बिजनेस पार्टनर्स ने सपोज 1,00,000 रुपया लेकर आया था, ठीक है, 1,00,000 रुपया लेकर आया था, क्लियर। तो जब तक आपका पार्टनरशिप फर्म रहेगा, ठीक है, 4 साल 5 साल 10 साल, वो पार्टनर्स के अकाउंट में 1,00,000 रुपया अलग से दिखता जाएगा, ठीक है। मतलब वी कैन इजीली कम टू नो कि भाई स्टार्टिंग में हमने कितना पैसा लाया था, ठीक है, मतलब इसमें जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों, जो भी बिजनेस का लॉस होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी ड्रॉइंग होगा, वो सब के सब हम लोग कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, वो सब के हम लोग कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कैपिटल को हम लोग टच नहीं करेंगे। वेर एज फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने 2001 में एक 2,00,000 रुपये कैपिटल लेकर आया था, इसमें मैंने प्रॉफिट ऐड किया, इसमें मैंने लॉस को माइनस किया, सब कुछ मतलब पूरा मिक्स हो जाता है, और एट द एंड ऑफ द ईयर इसमें जो फिगर है ना 2,00,000 रुपया, ये कुछ अलग फिगर दिखता है, मतलब इट कीप्स ऑन अप्स एंड डाउन, इसीलिए क्या नाम दिया गया इसका, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नाम दिया गया है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, दैट इज़ फॉर 1 मार्क्स, कि फिक्स कैपिटल हम लोग क्या क्या ड्रॉ करते हैं,
तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिक्स कैपिटल अकाउंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट ड्रॉ करते हैं, वेयर एज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या क्या ड्रॉ करते हैं, तो खाली एक ही नाम आना चाहिए आपके सामने, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट था रिगार्डिंग व्हाट कैपिटल के बारे में। कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, दूसरा क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है। फिक्स्ड ऑलवेज बी फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग इट कीप्स ऑन जंपिंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट चलो हम आपको थोड़ा रेशियो के बारे में बताते दो। रेशियो, रेशियो मतलब क्या? कि जो भी पार्टनर्स कमाते हैं, जो पार्टनर्स कमाते हैं, पार्टनर्स का क्या होता है? उस पर अधिकार होता है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स बांट के लेंगे, लॉस हुआ तो इनको बेयर करना पड़ेगा। तो बांटे तो कैसे बांटे? ठीक है, तो जब भी ये लोग एंटर्ड होते हैं ना बिजनेस में, तो इनका क्या बनता है दोस्तों? अग्रीमेंट बन जाता है, या तो डीड बन जाता है, पार्टनरशिप। ठीक है, तो उसमें पूरा लिखा होता है कि कौन सा पार्टनर कितना पैसा लाया है, उसे कितना हिस्सा, जो ज़्यादा पैसा लाएगा डेफिनेटली उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि रेशो जब दिया जाएगा तो क्वेश्चन में होगा आपको तीन प्रकार के रेशो, तीनों में से कोई एक प्रकार के रेशो मिलने के चांसेस हो, तीनों में से कोई एक प्रकार के। पहला पहला या तो रेशो आपको दिया होगा, कि विल बी गिवन, फॉर एग्जांपल दो पार्टनर 3:2 हो सकता है। ठीक है, इक्वल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या तो ऐसा दिया जाएगा आपको क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सेकंड अगर दोस्तों नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो हम भी क्या पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करना पड़ेगा हमको? कि इक्वल है दोनों को, हमको क्या करना है? समान पैसा देना है, इक्वल पैसा देना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में आपको बोलेगा, क्या बोलेगा? कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कौन से रेशियो में होगा? कैपिटल रेशियो में। कौन से रेशियो में? कैपिटल। अभी कैपिटल रेशियो सर होता क्या है दोस्तों? आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि पार्टनर्स का कैपिटल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं। ए ने कितना लेकर आया था? ए ने लाया था 2 लाख रुपया और बी ने लाया था 5 लाख रुपया। पैसा था उसके पास, किया होगा कहीं से भी। ठीक है, ए ने कितना लाया था? 2 लाख। बी ने कितना लाया था? 5 लाख। अभी क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है कैपिटल रेशो निकालना है दोस्तों, कैपिटल रेशो। तो कैसे निकालोगे? तो इन दोनों अमाउंट में जो भी आपके कॉमन जीरो हैं वो निकाल दो आप। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये काट दिया मैंने, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, ये 5, 5, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, ये हमने कॉमन जीरो क्या कर दिया है? काट दिया है। तो बचा क्या है यहाँ पे? ए का कितना बचा? 2, और बी का कितना बचा? 5। दैट इज कॉल्ड इज वॉट? कैपिटल रेशो। ठीक है, तो जो भी आपका रेशियो है ये बन गया आपका कैपिटल रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पेपर के लिए और क्वेश्चन के लिए भी, और डेफिनेटली फ्यूचर अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या सीखा हमने आज? आज हमने सीखा रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट सीखा। आज हमने क्या देखा? कैपिटल। कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है। फिक्स में क्या क्या बनेगा दोस्तों? फिक्स में बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी एडजस्टमेंट होगा कहाँ करेंगे हम लोग? पार्टनर्स करंट में करेंगे। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में क्या बनेगा? खाली पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। क्लियर? रीजन क्या है कि इसका जो भी कैपिटल क्या होता है? अप डाउन होते रहता है। क्लियर? उसके बाद क्या देखा हमने? उसके बाद क्या देखा? रेशो सीखा है। रेशो, रेशो में क्या देखा हमने? हमने देखा है एग्रीमेंट बनाते हैं वो लोग, डीड बनेगा। ठीक है, तो उनका रेशो या तो दिया जाएगा एग्जाम में, ये जैसा हमने बताया यहाँ पे, या तो नहीं दिया गया है तो हमने क्या मानना पड़ेगा? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1, या तो क्या होगा? तीसरा आपका कैपिटल रेशियो कहलाएगा। वो कैसे होगा? बेस्ड ऑन द कैपिटल, जो भी कैपिटल पार्टनर्स लेकर आए होंगे, जो भी कैपिटल पार्टनर्स लेकर आए होंगे उसके हिसाब से आपको ले जाना है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ए और बी, ए ने लाया था 2 लाख 5 लाख, तो हमने देखा, हम जो भी कॉमन जीरो था निकाल दिया यहाँ से, तो 2 और 5 बचा, दैट विल बी योर कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका फाइनल अकाउंट का थियरी था। थियरी है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट पेंडिंग पड़ा है, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आपका काम क्या बनता है? तो जो भी आपका होमवर्क है, ठीक है,
कल या परसों आपका जूम का एक सेशन होने वाला है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट आपको पूरा होमवर्क मुझे दिखाना होगा, क्लियर। होमवर्क में था आपका, जो मैंने लिखाया हूँ पूरा मुझे नोटबुक में मिलना चाहिए, जो भी नोट्स मैंने लिखाया हूँ मैंने, ठीक है। सेकेंड, जो भी आपका प्रोफार्मा था, प्रोफार्मा किसका, ट्रेडिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस का, पार्टनर्स कैपिटल का और बैलेंस शीट का, ये भी चाहिए मुझे। तीसरा, ये जो नोट्स है लिखाया, ये पूरा आपको दिखना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। और हाँ, एडजस्टमेंट में पूछूंगा मैं, ये सब आपको याद करना है दोस्तों, ठीक है। चलो आज के लिए एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम से आई विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, ठीक है। पैटर्न कैसे ड्रॉ करना होगा, क्या कैसे होगा, हम लोग आराम से सीख लेंगे। तो दो लेक्चर में हमने यहाँ पे थ्योरी ख़त्म किया है, आपको ये घर में बैठ के आराम से थ्योरी करना है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अदर लेक्चर्स विल बी स्टार्टिंग वेरी सून। एसपी का हो जाएगा, ओसी का, इंग्लिश का, जो भी होगा स्टार्टअप हो जाएगा, ठीक है। हम लोग स्लोली स्लोली हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मई मंथ चल रहा है, जून सेप्टेम्बर से मे बी आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, देन वी हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम, ठीक है। वी हैव टू कवर एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अगेन नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।